यदि आपको आलू खाना पसंद है तो आप एक बार इस आलू वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कोई मसाले नहीं इस्तेमाल करेंगे और इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की मज़ेदार और सुपर टेस्टी आलू की रेसिपी को शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी आलू फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 5 मीडियम साइज़ के उबले आलू लिए हैं। आलू के छिलके हटा लिए हैं मैंने। आलू को मैंने मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक उबाला है। तो यहाँ पर आलू को मैंने ओवर कुक नहीं किया है, आप देख सकते हैं। आलू के हम ऐसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। यदि आप छोटे आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आलू को नहीं काटें, और यदि आप बड़े आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलू को आप 4 टुकड़ों में काटें। तो आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस 90% तक ही इसे पकाना है। यहाँ पर आलू को मैंने कट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ पर हम एक हरी चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मिक्सर जार में 1 इंच अदरक डाल दें। आप अदरक के साथ लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा कम खाते हैं तो आप 1 ही हरी मिर्च डालें। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस जार का ढक्कन लगा के हम इसे पीस लेंगे। तो बस यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस आलू की रेसिपी का। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और ये हमारा हरा पेस्ट बनके तैयार है। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तो पैन में 3 से 4 चम्मच तेल डाल दें। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आंच पर जीरा को हल्का पका लें। और उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। उबले आलू जो हमने कट करके रखे हैं वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। या फिर आप इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि इसमें हल्की सी गोल्डन ब्राउन लेयर नहीं दिखने लगे। पैन को कवर नहीं करें, बस गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएं। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे आलू जो है थोड़े फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। हल्दी डालने के बाद गैस का फ्लेम धीमा कर लेंगे और धीमी आंच पर आलू को हल्दी के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर 1 मिनट आलू को हल्दी के साथ ऐसे मिक्स कर दें। अब हम इसमें ये जो हरा पेस्ट हमने पीस के रखा है ये डाल देंगे। इसके साथ नमक भी डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर बस 3 से 4 मिनट हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लें। तो एकदम अलग रेसिपी है ये आलू की। आप इसे ट्रैवल में ले जा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। और यदि आपके पास आलू उबले रखे हैं और समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बनाना है तो आप इस वाली आलू की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप इसे पराठे के साथ खाए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम पैन को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर मैं पैन को कवर कर देती हूँ। 3 मिनट बाद हम पैन से ढक्कन हटाएंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और सुपर टेस्टी आलू फ्राई बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू जो है एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो हमने इसमें जो अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का पेस्ट डाला है उससे इस आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम ही अमेजिंग और एकदम अलग स्वाद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जब भी आपको झटपट से कोई आलू की रेसिपी बनानी है तो आप इस सुपर टेस्टी आलू फ्राई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। आप इसे ट्रैवल में ले जा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और अलग रेसिपी है ये। आप इसे रोटी, पूरी या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें।